हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और इजी टू मेक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। अगर आप इसे बनाने में बहुत ही झंझट महसूस होता है आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ऐसी कोई झंझट महसूस नहीं होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं केले की पकौड़ी बनाने की। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कच्चा केला ले लिया है। मैं सिर्फ 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। इसे चाकू से इस तरीके से छीलना है हमें। ये ऊपर थोड़ा सा थिक होता है, इसका छिलका मोटा होता है, तो उसे हमें निकाल देना है इस तरीके से चाकू से। तो इस तरीके से इसे छील लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे छील लिया। ये जो थोड़ा सा हरा पार्ट दिख रहा है ना, उसे भी हटा देंगे। और इसे छील करना हमें ऐसे ही प्लेट में नहीं रखना है, इसे हमें एक बोल में डाल देना है, वो भी पानी वाले बोल में इस तरीके से। नहीं तो जो केला है, कच्चा केला होता है, वो काला पड़ जाता है। तो इस तरीके से इसे पानी के बोल में डाल देंगे। और ये जो दूसरा केला है, इसे भी हम इसी तरीके से छील लेंगे और इसे भी छील कर पानी में डाल देंगे। तो ये मैंने छील कर इसे पानी में डाल दिया है। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, ऊपर जो भी गंदगी लगी हो। और इसे वॉश करके ऐसे ही इसमें छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है और मैंने यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च ले लिया है, काट करके छोटा छोटा कट कर लिया है। अब बेसन को ना एक बड़े बोल में डाल देंगे, क्योंकि हमें बेसन का मिक्सचर बनाना है। इसे क्या होता है, पकौड़ी बहुत अच्छे से फूलती है अगर आप उसे पहले से फेंट कर रख देते हैं। अब इसमें ये लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच। यहाँ पे डालना है मैंने जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है, उसे मैंने पीस लिया है, 1 चम्मच डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के हिसाब से आप डालें। फिर डालेंगे थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च, बहुत ही थोड़ी सी, अगर आप नहीं खाते तो ना डालें। इसमें फिर पानी डालकर इसे हम फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी फेंट सकते हैं या फिर हाथ से भी फेंट सकते हैं। बस हमें ना इसमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें जो इसका पेस्ट बनाना है वो बहुत पतला नहीं बनाना है, ना बहुत ही थिक बनाना है, बस मीडियम में बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। अगर पकौड़ी आपकी बिल्कुल नहीं फूलती है तो आप उसमें बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है। इसे जब हम बेसन को थोड़ी देर पहले फेंट कर रख देते हैं ना, तो ये पकौड़ी अपने आप ही फूल जाती है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और ये जो हमने केले को छील कर रखा था, इसे अब हम काट लेंगे। तो इसे काटना कैसे है, तो ये लेंगे इसे इस तरीके से, पतले पतले स्लाइसेस इसके काट लेंगे इस तरीके से। भी पतला सा स्लाइस काट कर रख लेंगे। तो ये मैंने पूरा जो केला है, दोनों केला, उसे मैंने काट कर रख लिया है और इसे पानी में ही रखेंगे, नहीं तो जो केला है वो काला पड़ जाएगा। कुछ तैयार है, तो चलिए बनाते हैं पकौड़ी। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गैस पर। इसमें तेल डाल देंगे तलने के लिए और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाए। फिर एक एक केले को लेके इसमें बेसन में इस तरीके से हमें लपेटना है और लपेट कर इसे हमें कढ़ाई में डाल देना है। जब तेल एकदम गर्म हो जाए तभी इसमें पकौड़ी डालें और इसे थोड़ी देर तक होने देंगे, उसके बाद ही दूसरी पकौड़ी इसमें डालेंगे। नहीं तो जो दोनों केले हैं ना, वो आपस में चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से एक एक करके हम इसमें डाल देंगे इसे। जितना तेल आपने कढ़ाई में डाला हो उस हिसाब से ही पकौड़ी डालें, क्योंकि जो केला है वो लंबे लंबे पीसेस में होता है। तो मैंने यहाँ पे एक साथ एक बार में 4 ही पकौड़ी डाली है बस,
और अब आप क्या करें, गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए मीडियम कर दें, क्योंकि जो केला है अगर थोड़ा भी मोटा होगा या फिर पतला ही है तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। तो ये देखिए, ये पकौड़ी जो है मैंने अलट पलट के इसे पका लिया है। ये जो इसका कलर है ना गोल्डन ब्राउन, जब तक ऐसा नहीं आएगा तब तक हमें पकौड़ी को निकालना नहीं है। तो कलर इसका एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है और केला भी पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो एक्सेस ऑयल है इससे निकल जाता है पकौड़ी को किनारे पे लगाने से, तो इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। और इसी तरीके से जो बाकी पकौड़ियाँ हैं, जो बाकी केले बचे हैं, उसे भी हम बना लेंगे। है ना खाने में टेस्टी, दिख रहा है ना टेस्टी एकदम से। तो ये मैंने पकौड़ियाँ सारी बना ली हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है, इसमें हम पकौड़ियों को अच्छे से लगा देंगे और इसे सर्व कर देंगे। सर्व करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी चटनी का यूज़ कर सकते हैं या फिर सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।